फिर से हमारे YouTube चैनल सत्यवान कुमार झाझा से जुड़ने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपका बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का फिजिकल का डेट का क्या होगा, बिहार पुलिस ड्राइवर का मेरिट का क्या होगा, बिहार SI के PT का रिजल्ट का क्या होगा और फायरमैन के एग्ज़ाम और बहुत से जो फिजिकल होने वाले थे चिड़ियाघर में होने वाला था चिड़ियाघर में और 28 से जो बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल का फिजिकल होने वाला था उससे रिलेटेड। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा, लास्ट तक देखिएगा और अभी अपने सभी दोस्तों के बीच खूब शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप क्या है, बिहार सरकार का नोटिस है, बिहार सरकार का गृह विभाग द्वारा नोटिस दिया गया ज्ञापन संघ आपदा प्रबंधन 6/2/2020 4 जनवरी को बैठक हुआ था, 4 जनवरी को यहाँ सचिव द्वारा गृह सचिव ये इनके द्वारा जारी किया गया। चलिए चलते हैं हम लोग ट्रेंड क्या कहता है। गृह सचिव भारत के पत्रांग इतना दिनांक 27/12/2021 के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कंटेनमेंट मेजर फॉर COVID-19 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुए। पत्र में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्देशित उपाय कर सकती है। कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिनांक 4/1/2022 को राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु दिनांक 6/1/2022 से 21/1/2022 तक निम्नांकित प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। इस बिंदु को आप दिनांक कितना से है, 6 से 21 तक इसको आप देखिएगा ध्यान से, कब से है 6 से 21 तक, आप इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान देखिएगा कब से है 6 से 21 तक और बिहार पुलिस का दौड़ कब से है, बिहार पुलिस का दौड़ आपका है 28 से, कब से है 28 से। इसलिए आप अपनी दौड़ की तैयारी में ढीला ना पड़े क्योंकि आपका अगर 21 तारीख तक कोरोना के संक्रमण में कमी आती है तो आपका दौड़ 28 से ले लिया जाएगा क्योंकि आज आपका एडमिट कार्ड भी दे दिया गया, परंतु इससे पहले वाला में भी हुआ था एडमिट कार्ड देकर CSBC द्वारा फिजिकल को रोक दिया गया था, परंतु आप अपना तैयारी 28 जनवरी के फिजिकल डेट को ही मानकर कीजिएगा जिससे कि आपका तैयारी अच्छा से अच्छा हो सके। दोस्तों, बात कर लेते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर आपको बताते चलेंगे इसमें क्या महत्वपूर्ण है और कैसे लगा कि हम लोगों का अभी, क्योंकि ये शुरुआत है लॉकडाउन की, थोड़ी थोड़ी शुरुआत है, अगर स्थिति कंट्रोल नहीं होती है तो संपूर्ण लॉकडाउन भी किया जा सकता है। जैसे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ देखिए आप कहता सभी क्या क्या बंद रहेंगे, देख लीजिए सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में अंगुत्तकों का प्रवेश वर्जित होगा। 50% सभी सरकारी कार्यालय क्या होगा, गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेगी। जैसे CSBC भी खुलेगा तो वो 50% एम्प्लॉय जो है वो आएंगे, 50% नहीं आएंगे, तो इससे क्या होगा ना, बिहार पुलिस का जो हम लोगों का है ड्राइवर का मेरिट है, मेरिट में देरी हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है, वशर्ते मेरिट तो बन चुका है, हम लोगों का काम लगभग हो ही चुका होगा, फिर भी प्रभावित कर सकता है, ये प्रभावित मेरिट को कर सकता है। और जहाँ तक बात रहा
आपके आपका जहाँ तक बात रहा सभी सरकारी कार्यालय गैर सरकारी कार्यालय क्या होंगे? 50%। सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी 50% उपस्थिति के साथ खुलेगी। सरकारी कार्यालय में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। आप यहाँ देख सकते हैं 50% के साथ खुलेगा तो प्रभावित तो कर सकता है। आगे देखिए क्या करता है। अगर CSBC चाहेगी तो वो टाइम पे दे ही देगी। दोस्तों अपवाद जो हो इस पे कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी ध्यान में रखिए। आवश्यक सेवाएं तथा यथा जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल, डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खदान की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावस्थ कार्य करेंगे। आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं, डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छ, फायर ब्रिगेड, स्वच्छ, ये प्रशासनिक ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोगों का ड्राइवर का जल्द दे दे, उसमें लेट ना हो। न्याय करेगी। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। जो हाई कोर्ट का आदेश होगा उच्च न्यायालय का, उनका प्रभाव क्या होगा? उसी का मान्य होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 8 बजे रात्रि से तक ही खुलेगी। 8 बजे के बाद बंद कर देना है। ठीक है, अपवाद बैंकिंग एवं ATM संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, अपवाद जो खुला रहेगा कंस्ट्रक्शन वर्क खुला रहेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होगा? खुला रहेगा। ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां क्या रहेगा? चालू रहेगा। अपवाद ये हो गया। अब फिर आगे चलिए, कृषि से जुड़े कार्य होते रहेंगे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते रहेंगे, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग केबल, सेवाएं संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान चालू रहेंगे, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग चालू रहेंगे, निजी सुरक्षा सेवा चालू रहेंगे, ठेला पर फल एवं सब्जी घूम घूम कर बिक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुकानों प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। ये शर्त है कि ये शर्त दुकानों प्रतिष्ठानों में सभी लिए मास्क पहनेंगे। ये मैं बिहार के सभी भाइयों और सभी जनता मालिकों से कहना चाहूँगा कि आप घर से बाहर जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें, लापरवाही ना करें। लापरवाही करने के कारण ही तीसरा फेज इतना खतरनाक भयावह स्थिति में जा रहा है। आप दूरी बना के जरूर रखें और लापरवाही ना बरतें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी की दूरी भी बना के रखें। क्या कर रहा है? दुकानें प्रतिष्ठान काउंटर पर दुकानदार कर्मियों को उनको उपयोग हेतु सैनिटाइजर व्यवस्था किया जाएगा। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग इतना यही वही जो हम बताएं वही है। आगे चलते हैं, उपयुक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DM जिला प्रशासन द्वारा क्या किया जाएगा? आपके ऊपर कार्रवाई कर दिया किया जाएगा। शिक्षण संस्थान, यहाँ आइए, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षण संस्थान प्री स्कूल से 8वीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। मतलब प्री से लेकर 8वां तक का जो भी स्कूल या कोचिंग संस्थान है वो पूरी तरह बंद रहेंगे, किंतु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। 9वीं तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुलेगी। ऑनलाइन को प्राथमिकता दी जाएगी, ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल कोई भी पूजा पाठ वाले जितने स्थान हैं
शव को फिर से बंद कर दिया गया, पूर्णतः बंद, पूरी तरह बंद। वहां पूजा पाठ वाले स्थान पे आप नहीं जा सकते। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, यहाँ देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। 10 तारीख से जो फिजिकल होने वाला था उसका क्या होगा आप देख लीजिए। स्टेडियम जब बंद रहेंगे, पार्क जब बंद रहेंगे, उद्यान जब कहाँ है उद्यान, तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। बहाली पे तो खतरा मंडरा सकता है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। 28 फरवरी से और ये 21 तक है, 28 जनवरी से और ये 21 तक है, इसलिए हो सकता है कि स्थिति सामान्य हो जाए तो कॉन्स्टेबल का बहाली को फिजिकल ले ले रेस्ट। अब यहाँ देखिए रेस्टोरेंट, खाने की दुकानें का संचालन, आगंतुकों को बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमान होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनमें सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हैं। जितना कर्मी काम करेगा कोविड के दोनों टीके ले चुके हैं। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। 50 व्यक्तियों के साथ की जा सकती है, किंतु इनमें डीजे, बारात जुलूस का इजाजत नहीं होगा। डीजे और बारात जुलूस का इजाजत नहीं होगा। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थाना को जाके सूचित करना पड़ेगा। अंतिम संस्कार श्रद्धा कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों के अधिकतम रहेगा। श्रद्धा क्रम में 50 व्यक्ति से ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन में देखिए स्पीड में चलते हैं अब हम लोग। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता को 100% उपयोग की अनुमति रहेगी। जो परिवहन रहेगा उसमें 100% उपयोगी रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ओवर क्राउडिंग नहीं हो, ओवर क्राउडिंग नहीं हो, ओवर क्राउडिंग नहीं हो। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर, मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनना अनिवार्य है, मास्क जरूर पहनें, अपने सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, ये भी महत्वपूर्ण है, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकतम 50 व्यक्तियों के अधिसीमा तथा तो कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। आपको जिला प्रशासन से क्या लेना पड़ेगा, पूर्वानुमति अनिवार्य होगा, अनुमति लेना पड़ेगा। दोस्तों 6 से 21 तक है, आप इस बात को समझेंगे, 6 से 21 तक का है। राज्य में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की निम्न अनुमान होगा। रात में 5 बजे से लेके 10 बजे से लेके 5 बजे तक क्या है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है पूरी तरह से, खाली इमरजेंसी सेवा को छोड़कर। जैसे देख लीजिए आप, स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां, संलग्न वाहन, स्वास्थ्य परियोजना प्रयुक्त निजी वाहन, ये सब चलेगा। अनुमान कार्य, संबंधित कार्यालय, सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में लंग, ये सब चलेगा। सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, कोई दिक्कत। वैसे निजी वाहन जिसमें हवाई जहाज, ट्रेन से यात्री यात्रा कर रहे हो, के पास टिकट हो, ये चल सकता है। कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों, अन्य आवश्यक अनुमान सेवाओं पर निजी वाहन, ये चल सकता है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने का निजी वाहन, ये चल सकता है। सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध, सभी प्रकार का मेला, कोई भी किसी भी प्रकार का मेला नहीं लगा सकते हैं आप, किसी भी प्रकार का मेला में भाग। जिला प्रशासन भीड़ भाड़ वाले स्थानों यथा सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनाने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान, बाजार, प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों का उपरांत भी उपयुक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप मान्य नहीं करते हैं तो उस स्थान को क्या करेगा, जिला प्रशासन बंद कर देगा। इसलिए मानना होगा, नहीं मानिएगा तो बंद होगा। चलिए जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपयुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेगा, किंतु किसी भी परिस्थिति में उपयुक्त प्रतिबंधों का शिथिल नहीं किया जा सकेगा।
दोस्तों ये शुरुआत है, इससे पहले वाला में इसी तरह हुआ था, आप जानते भी होंगे, इससे पहले वाला में भी इसी तरह हुआ था और धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ते गया था। सभी जिला पदाधिकारी उपयुक्त कार्य का वर्णित आदेशों का अनुपालन को धारा 144 के अंतर्गत निर्देशित कार्य का उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए जाने पाए जाने में संबंधित विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दंड विधि के तहत 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव आमिर सुब्बानी 4/1/2022। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे किसका, बिहार पुलिस और किसका बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अब बिहार पुलिस, पुलिस कॉन्स्टेबल के बारे में, दोस्तों आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टेबल के दौर पे जहां तक लगता है कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन कराकर इसका फिजिकल ले लिया जाएगा, क्योंकि ये बेंच जो है ये 21 तारीख तक है। इसलिए अगर 21 तारीख तक स्थिति नियंत्रण में होता है तो आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। आप ये ना सोचे कि डेट बढ़ेगा, आप जिस प्रकार से मेहनत कर रहे थे उसी प्रकार से मेहनत में लगे रहें जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों और एक प्रॉब्लम है, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के, बिहार पुलिस ड्राइवर के रिलेटेड, ड्राइवर का मेरिट आने में अब लेट होगी। ड्राइवर का मेरिट आने में अगर क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि लेट होगा, आपको क्या लगता है ड्राइवर का, अब क्या लगता है आपको ड्राइवर मेरिट में लेट होगा? इसमें क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? ड्राइवर के मेरिट में कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? इस पे आप सोच सकते हैं, सीएसबीसी ऑफिस चालू रहेगा 50% कर्मी के उपस्थिति के साथ। इस पे ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ हो सके 10 तक देने वाला था तो 15 को दे, यही हो सकता है। अगर 15 को देने वाला था तो 20 तक दे, लेकिन ड्राइवर का मेरिट क्या कर होना चाहिए, दे देना चाहिए हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि प्रशासनिक सेवाएं में उसे सरकार को व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है और उनके लिए ना लॉकडाउन कोई असर करता है ना ही कोई प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ। परिस्थिति चाहे किसी भी प्रकार की हो, प्रशासनिक सेवाएं हमेशा चालू ही रहेगी, इसलिए मेरिट दे देना चाहिए ड्राइवर का हमारे हिसाब से, आगे सीएसबीसी और बिहार सरकार की इच्छा। दोस्तों आज के इस, और आपको फिर बता दूं, बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल वाले जो भी फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं वो 28 तारीख को फिजिकल मानकर ही तैयारी करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया कर जरूर लाइक कर लें और अपने दोस्तों के बीच खूब शेयर करें, और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आगे की जो भी जानकारी होगा मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, आज के इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक, वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।